मैं सुचित कुमार, आप देख रहे हैं सच्चाई आज तक। इस वक्त हम मौजूद हैं चानन प्रखंड के मननपुर बाजार में, आप जहां की देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है तो एक मनीष कश्यप सर के बारे में थोड़ा सा कुछ अलग डिटेल जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो सर थोड़ा सा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रीतम कुमार है। आप थोड़ा सा सारा डिटेल भी बता दीजिए सर, कहाँ से आप हैं? हम प्रॉपर चानन में बसुआ चक से हैं और हम यहाँ मननपुर में रहकर क्लास 10th 11th 12th को पढ़ाते हैं। 11th 12th को फिजिक्स पढ़ाते हैं और 10th को भी साइंस पेपर पढ़ाते हैं। सर आपको तो ये पता होगा कि अभी जो है मनीष कश्यप के बारे में पूरा सर पूरा देश में पूरा गांव में पूरा समाज में पूरा सर एकदम खलबली मचा हुआ है कि मनीष कश्यप सर के साथ एक पत्रकार के साथ जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, गलत उनके साथ किया जा रहा है, उन पे केस किया जा रहा है और तमाम चीजों पे उनके बारे में लोगों में कहना है कि वो जो है सही ढंग से काम नहीं करते हैं, कहीं कुछ करके जो है अपना व्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? उनका वीडियो आप देखते हैं क्या? हाँ, मनीष कश्यप सर का वीडियो देखते हैं और हकीकत है कि अभी तक तो जो भी वीडियो बना रहे थे बिहार के हित के लिए ही बना रहे थे और जो जमीनी मुद्दा है उस चीज को उन्होंने उठाने का काम किया है। जो चीज जो नेशनल मीडिया है वो सब नहीं दिखा पाए उस चीजों को उन्होंने खोज खोज के निकाल निकाल के सारा देश के सामने लाकर रखे हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो तमिलनाडु का मजदूर का मुद्दा हुआ उसमें कहीं ना कहीं वो गलत साबित हो गए और गलत साबित होने के वजह से उनका आरोप होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, लेकिन उन्होंने आरोप डायरेक्ट तेजस्वी यादव जी से लगा रहे जो कि डिप्टी सीएम है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपका जो पहला थी आपके ऊपर एफआईआर किया गया चाहे जो भी चीज हुआ तो आपका गुहार होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, ना कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से। और सबसे बड़ी बात है, मनीष कश्यप का हम भी फैन है और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई नो डाउट, लेकिन इधर जो डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री को धमकी भरे शब्दों से बोलना कि 2025 में हम सीएम नहीं बनने देंगे, सपना नहीं पूरा होने देंगे, मेरे हिसाब से सरासर गलत है। और किसी पर्सनल व्यक्ति का कोई पावर नहीं है कि तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे सुशील मोदी हो किसी को मुख्यमंत्री बनने देंगे या नहीं बनने देंगे, वो तो जनता निर्भर करेगी कि किसे बनाना है। लेकिन किसी भी चीज को प्यार से जीता जा सकता है और एक मनीष कश्यप और एक कहीं तेजस्वी यादव जी दोनों का लेवल बहुत दूरी पर है और डायरेक्ट धमकी देना ये कहीं से भी उचित नहीं लगा हमको। सर ये बताइए कि मनीष कश्यप सर जो है उनको बहुत अच्छे पत्रकार भी माने जाते हैं, बहुत ईमानदारी से वो अपना काम भी करते हैं, तो बिहार के लिए सर वैसे आपको लगता है सर कि अपना लखीसराय जिला में भी उनका अच्छा खासा वीडियो देखा जाता है, तो लखीसराय जिला के लिए सर कोई वैसा कोई काम किया है क्या? यहाँ का कुछ भी मुद्दे पे वो काम किए हैं, कुछ बात उठाए हैं? नहीं, जहां तक हमको पता है कि लखीसराय के लिए तो कभी वो कुछ नहीं बोले हैं। क्या उनको लगता है कि बिहार के अंदर का लखीसराय जिला भी है तो यहाँ पे उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, मतलब मेरे जानकारी के अनुसार कभी भी वो लखीसराय नहीं आए हैं, हो सकता है कभी आए होंगे। तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना जरूर चाहिए। अगर आपका सब्सक्राइबर 5 मिलियन चाहे जो भी हो, इतना अच्छा आपको लोग सपोर्ट कर रहा है, आपको मतलब देख पा रहे हैं, तो कम से कम एक बार भी लखीसराय हो, जमुई हो, इस सब एरिया का भ्रमण करना चाहिए। क्या आपको लगता है सर कि वो अहीर समाज को सर टारगेट लिया है कि अहीर समाज ही जो है वो मैंने हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतना दिन से हम लोग काम कर रहे थे, मेरे ऊपर कभी एफआईआर नहीं हुआ है और अभी जो हम तेजस्वी यादव के बारे में कुछ बोले तो मेरे पे एफआईआर कर दिया है, तो क्या लगता है सर कि जो 2025 में आने वाला जो चुनावी है उसमें तेजस्वी यादव को मंत्री नहीं बनने देंगे, ये उनका चैलेंज स्वीकार हो जाएगा सर? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मनीष कश्यप जी को बोल देने से कुछ नहीं होगा, 2025 का चुनाव जनता तय करेगी कि किसे जीत मतलब मुख्यमंत्री बनाना है नहीं बनाना है, और मेरे समझ से ये सब तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बोलना शायद उचित होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक मनीष कश्यप को अभी इतना हैसियत नहीं है कि किसी को सीएम बनने से रोक ले या चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो किसी को बना दे, अगर बनाना होता तो शायद वो पहले खुद बन जाते। और किसी जाति विशेष को पर्सनल टारगेट करना ये तो सही नहीं है, हालांकि उनका जो मुद्दा है किसी जाति विशेष से डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट तेजस्वी यादव जी से, और हम इस चीज को पूरे यादव समाज से जोड़कर देखना हमारे समझ में ये गलत है। हाँ, तेजस्वी यादव जी से नाराजगी उनकी हो सकती है, नाराजगी तो मेरी भी है कि तेजस्वी यादव जी हर बार चुनाव में पहले भाषण देते थे,
पहला कैबिनेट में पहला कलम से 10 लाख नौकरी, आज तक तो इधर 6 महीना 8 महीना हो गया, आज तक एक भी नौकरी नहीं आया। तो दुख तो हमें भी है और दुख उन्हीं से होता है जिनको हम चाहते हैं, और हकीकत यह है कि हम लोग भी उनको चाहते हैं और उन्हीं से उम्मीद भी है, लेकिन उम्मीद पर अभी खरे नहीं उतरे हैं तो हम लोग को भी थोड़ा सा दुख है। और किसी भी आदमी को अगर मान लीजिए ये मनीष कश्यप को FIR किए चाहे कुछ भी किए, हमारे हिसाब से एक बार संभलने का मौका दिया जाए यही अच्छा रहेगा। सर ये आपको लगता है कि मनीष सर जो है बहुत बड़े पत्रकार है, अगर वो चाह ले कि हर जिला में उनका रिपोर्टर हो, हर जिला में उनका काम हो, तो इसमें सर बिहार का विकास हो सकता है या किसी बड़े मंत्री को टारगेट करना ये विकास हो सकता है, इस पे आप क्या कहना? देखिए हमारे हिसाब से जिस तरह से उनका व्यूवर्स मतलब है, जिस उनका फॉलोवर्स है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनका न्यूज मतलब आदमी होना चाहिए जो कि हर चीज को सही से दिखा सके। और हकीकत यह है कि आज तक जो भी चीज दिखाए वो सच दिखाए, ये अलग बात है कि अभी एकाएक ये मुद्दा गर्म हो गया है, तो एकाक मुद्दा गर्म हो जाने से हम किसी को अगर चाह रहे तो हम उसको खराब नहीं बोल सकते। हाँ लेकिन ये जरूर है कि अगर हम किसी को कितना भी क्यों ना चाह रहे हैं, अगर उसमें कमी है, उसका गलती है, तो हम उसको बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में उनका अगर रिपोर्टर हो जाए तो अच्छी बात है। सर अपना बिहार में आप तो जान रहे सर कि बेरोजगार ज्यादा है सर, और बेरोजगार होने के कारण नौकरी भी नहीं मिल पा रहा है। अगर जो भी पत्रकार हैं, चाहे वो जो भी गायकी लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो चाहे कि जो भी युवा बेरोजगार है उनको अगर हम लोग रोजगार दें तो अच्छा से देख सकता है, लेकिन सर छोटे लोगों को वो लोग सपोर्ट भी करना नहीं चाहते हैं। और जब अभी उनके साथ समस्या हुआ है, उनके साथ में FIR हुआ है, तो वो जो है छोटे पत्रकार से बड़े पत्रकार तक वो जो है सपोर्ट मांगने के लिए तैयार है, तो बताइए सर कि इसमें कैसे लोग उनको सपोर्ट करेगा, इस पे आप क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर हकीकत बात तो यही है, किसी भी आदमी बड़ा हो छोटा हो, आदमी आदमी है, इंसान इंसान ही, और सबका सोच उतना ही है। जब पर्सनल अपने आप पर कोई बात पड़ती है तो समझ में आ जाता है कि क्या चीज है, किसी दूसरे पर यही चीज रहता है तो तब तक समझ में नहीं आता हो रहा बात को टाल दिया जाता है, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो अच्छा से समझ में आ जाता है। आज जो भी उनके साथ हो रहा है, मेरा मानना भी है कि कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अफवाह को फैलाकर पूरे बिहार के मजदूरों को भ्रमित किया गया, ये तो गलत है। और उनके साथ अगर FIR हुआ है चाहे जो भी हुआ है, अगर कानून कार्रवाई कर रही है तो सही ही होगा, लेकिन उनका जो एक वर्ड हम भी सुने हैं ना कि धमकी वाला कि हम बनने नहीं देंगे, आप कौन होते हैं तय करने वाले कि हम CM बनने नहीं देंगे? अगर आपको इतना ही कैपेसिटी था तो एक विधायक का चुनाव लड़े 10,000 वोट नहीं ला पाए, और किसी डिप्टी CM को आप बोल रहे हैं जो कि अकेला किसी पार्टी का प्रमुख है और किसी पार्टी को इतना बढ़िया से चला रहे हैं, और उनको डायरेक्ट धमकी देना, उनके लेवल में आप नहीं है, हम यही बोलना चाहेंगे और कुछ नहीं। और ये भी कहा गया है सर कि वो जो है बराबर जो है वो अहिर समाज में यादव समाज को जो है टारगेट रखते हैं, कटिहार में नरसंहार हुआ था, वहां पे कई पत्रकार वहां पे पहुंचे लेकिन वहां पे मनीष कश्यप नहीं पहुंचे, और जो कहीं अदर स्टेट में कहीं कुछ काम होता है, कहीं कुछ हल्ला होता है तो वहां पे वो जाते हैं, लेकिन बिहार में अगर कहीं कुछ वैसा होता है तो वो नहीं आते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मनीष कश्यप अगर यादव समाज को टारगेट करते हैं तो ये तो सरासर गलत है, समझदार व्यक्ति है, उनको इस तरह से करना नहीं चाहिए। और जहां तक आपका बात रहा कि डरते बहुत हैं, तो इस बात को हम भी मानते हैं कि नहीं, सच में वो डरते हैं, क्योंकि जब तमिलनाडु के तिरुपुर में घटना हुई तो तिरुपुर ये वेद प्रकाश पहुंचे, विकास राज जो एक है एक्सपोज मीडिया वाला वो पहुंचे, लेकिन ये जाकर डायरेक्ट चेन्नई से वीडियो दिखा के फिर वापस लौट गए। तो आप में अगर हिम्मत है तो आपको जाना चाहिए तिरुपुर, जिस बिल्डिंग में ये घटना हुआ वहां तक वेद प्रकाश जाकर दिखा रहे, एक्सपोज मीडिया वाला जाकर दिखा रहे, लेकिन आप तो दिखा नहीं रहे, तो डरते जरूर है ये। और ये भी कहा गया है सर कि बहुत सारे पत्रकार से भी बात किए हैं और बहुत सारे पब्लिक से भी मेरा बात हुआ है, वो छोटे लोगों का सर वो हेल्प नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपना देखते हैं, बड़े लोगों को टारगेट रखते हैं और उसमें अपना वो व्यू बढ़ाते हैं, अपना सिर्फ जो है मैंने एक बिजनेस खोल दिया है, सच्चाई उसमें सर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि वो ईमानदार पत्रकार है, आप क्या कहना चाहते हैं सर उस पे? देखिए अब तो उनके पास पैसा भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन पता है जो भी व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तो अपने से छोटे को देखना नहीं चाहता है, और यही चीज मनीष कश्यप में भी दिख रहा है कि अपने से छोटे जो पत्रकार हैं उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और इस तरह से अगर
हमको तो इस बात का बड़ी दुख हो रहा है कि किसी भी जादव समाज, चाहे कोई भी समाज हो, हम नहीं बोलते सिर्फ जादव समाज, किसी एक समाज एक जाति को अगर कोई मीडिया वाला हो चाहे कोई भी हो टारगेट कर रहे हैं, तो ये सारा सर गलत है। स्वतंत्र भारत है, अपना खुल के समस्या को बोलिए, खुल के समाधान को निकालिए, अच्छा बात है, लेकिन किसी विशेष वर्ग को टारगेट करना ये सही नहीं है। सर वो अपना फेसबुक पे भी नंबर दिए हुए हैं, लोग उनसे संपर्क भी करना चाहते हैं तो वो संपर्क नहीं कर पाते हैं और ना तो वो बात करते हैं। अगर आपका हम फॉलोवर है, आपका हम वीडियो देखते हैं, अगर मेरे साथ कोई समस्या है तो कैसे उनके पास में पहुंच सकेगा, ना तो वो बात करते हैं ना तो कोई हेल्प करते हैं, इसलिए क्या करना चाहते हैं सर? ये सब बोलने की बात है, कोई भी लोग बड़े लोग होते हैं वो किसी से मिल नहीं पाते हैं, अपना नंबर निकाल देते हैं कैसे करो ऐसे करो, लेकिन ये सब सिर्फ बोलने तक बात है, मीडिया तक ठीक है, लेकिन हकीकत में ये सब होता नहीं है। मनीष कश्यप हो चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब अपने जगह यही स्थिति पे है। तो ये लास्ट है सर, आप ये बता दीजिए सर कि मनीष कश्यप सर का आपका लास्ट संदेश क्या रहेगा सर? किस तरीके से वो काम करे, किस तरीके से वो हैंडल करे जो अपना बिहार का विकास हो और बेरोजगारी भी दूर हो और गरीब लोगों का मदद भी हो, खास करके लखीसराय जिला जम्मू जिला तो वो कभी आते ही नहीं है, तो थोड़ा सा सर ये लास्ट है ताकि आपके वीडियो के माध्यम से जो है लोगों तक ये पहुंच सके, क्योंकि लोग बहुत भ्रम में है सर, लोग उनका सिर्फ वीडियो देखना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश भी लोग कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे मनीष कश्यप सर आवे, लेकिन आना वो नहीं चाहते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए मनीष कश्यप सर से हम यही बोलना चाहेंगे कि जितना ईमानदारी से आप पत्रकारिता कर रहे हैं और जिस लेवल पर आप पहुंचे, आपकी ईमानदारी वहां तक पहुंचाया है, तो इसी ईमानदारी से आप आगे बढ़ते रहिए, अच्छा बात है, और सन ऑफ बिहार कहलाते बहुत गर्व की बात है, सबको ये सम्मान मिलता नहीं है, नहीं है। तो सन ऑफ बिहार अगर कहलाते हैं तो बिहार के लिए जिस तरह से आप ईमानदारी से हर बात को उठाते रहे, हर मुद्दा को उठाते रहे, उठाते रहिए, और किसी पर्सनल व्यक्ति को टारगेट मत कीजिए, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को धमका रहे हैं उनके लिए ये सब बहुत छोटा बात है। इसमें और एक है सर कि वो जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो सब आपस में एक हैं, और वो यादव समाज से एक भी बड़े पत्रकार नहीं है, सब जो है उन्हीं का कास्ट का है या कोई अदर कास्ट का है, वो लोग आपस में मेल रहते हैं, अगर कोई घटना होता है तो साथ में वो सब मेल हो जाते हैं, नीचे वाले जो भी पत्रकार है उनको कभी मौका भी नहीं मिल पाता है। हाँ ये बात तो सही है कि पत्रकारिता के माध्यम क्षेत्र में जो है फॉरवर्ड लोग थोड़े ज्यादा है, बैकवर्ड कम है, और बैकवर्ड में जो भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है उसको बढ़ने दिया नहीं जा रहा है, और ये सब चीज तो है, ये तो सब देख रहा है, हम क्या बोलेंगे, सबको दिखता है ये चीज। तो चलिए साथियों आप देख सकते हैं कि जो हमारे चानन क्षेत्र के युवा हैं प्रीतम सर हैं और शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इनसे हम खास जानकारी लिए मनीष सर के बारे में और तेजस्वी सर के बारे में।